आज हम एक छोटा सा मेडिटेशन, मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि आगे करवाऊंगी मैं ये मेडिटेशन। हम जो करने जा रहे हैं ये आप लोगों को हर दिन अपना डे स्टार्ट करने से पहले, यहाँ तक कि आप जब बेड पे लेटे हो, आपकी आंख खुली है, तभी आप ये मेडिटेशन प्लीज कर लीजिए। इसलिए क्योंकि आप लोगों की जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपका एनर्जी लेवल है, जो आपके थॉट्स की पॉजिटिविटी है, उसके लिए ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सारे दिन आपको एक पॉजिटिव फ्लो में रखना, और वो मॉर्निंग हैबिट से शुरू होता है ऑलवेज। अगर आपका सुबह ही यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिविटी से शुरू हुआ है, तो आप सारे दिन में ही आपकी जो एनर्जी होगी उसका लेवल भी लो 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 रहेगा, प्लस वाइब्रेशन तो लो रहेगा ही रहेगा। ये आप लोगों के टेक्निक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेक इट अ हैबिट कि एवरी डे मॉर्निंग में आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आकर के ये मेडिटेशन करिए। अभी तक की मेडिटेशन मैंने जो भी करवाई हुई है वो सारा था अपने स्पेसिफिक पार्टनर से। हम कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या स्पेसिफिक पार्टनर को हम वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, या फिर जो हमारे थॉट्स हैं वो उनको भेजने के लिए। आज की ये मेडिटेशन जो मॉर्निंग में ही हम करेंगे, हमेशा आप दिन में भी कर सकते हो, एंड बेस्ट है जब भी आपको लो फील करता है या आप सैड फील कर रहे हो, प्लीज इस मेडिटेशन को कीजिए। इससे आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे, आपकी थॉट्स यू नो रीप्रोग्राम होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। ओके, एंड ये जो मेडिटेशन मैं अभी आगे करवाने जा रही हूँ, ये है आपको सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए हम करने जा रहे हैं। अभी इस मेडिटेशन में हमें किसी को ना बुलाना है, ना किसी और के लिए हम कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप के लिए करने जा रहे हैं। ओके, ये एक्चुअली इमोशंस कंट्रोल के लिए मैं बना रही हूँ। सी, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सारे टेक्निक्स करते हुए जितने ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हो, इमोशंस इमोशंस, हम सैड हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैम बहुत अच्छे से कर रहे थे, सेल्फ लव कर रहे थे, बट फिर भी इमोशनल हो गए, ये दीज इमोशंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ये आप लोगों को हेल्प नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज जब आप लोग बहुत ज़्यादा सैड वाले इमोशंस लेके आते हो, उस तरह के इमोशनल फ्लो में आप लोग सारे दिन रहते हो, तो आप अपनी ही वाइब्रेशन को लो कर रहे हो। फिर आप लोग क्वेश्चन पुट करते हो कि हमारी टेक्निक्स काम नहीं कर रही हैं, हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, रोज वाइब्रेशंस भेज रहे हैं बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। वो क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा? बिकॉज आपने खुद की वाइब्रेशंस को बहुत लो किया हुआ है, राइट? सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एवरी डे मॉर्निंग हैबिट बनाइएगा। मॉर्निंग में आप ये मेडिटेशन अपने लिए, खुद के लिए कीजिए, सो दैट योर यू नो सेल्फ, आपका जो वाइब्रेशन है, आपकी जो सेल्फ की एनर्जी है, उसका लेवल हाई रहे। ओके, इमोशंस कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी मैं एक दो चीज़ें बता देती हूँ, उसके बाद हम मेडिटेशन में जाते हैं। सी, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने फाइव सेंसेस को कंट्रोल करना। आजकल क्या है कि हम एक तो लव रिलेशनशिप हील करने में लगे हुए हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। बाकी अगर और भी कोई विशेज हैं हमारी, जिसे हम मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, तो उसके साथ भी क्या इशू हो रहा है हमारे साथ कि हम इमोशनल हो जाते हैं ये सोच के कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो हम वहां पे भी इमोशनल होके सैड हो जा रहे हैं। ओके, उससे हम फोकस नहीं कर पाते, बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते उसको अपियर करने में, एग्जाम्स को देने में, तो वो दिक्कतें आ रही हैं। इमोशन कंट्रोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज कंट्रोल योर फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस आर ईयर्स, आईज, माउथ, ओके, ये फील करने का, स्किन एंड नोज, राइट? आपको इन सारे सेंसेस को कंट्रोल करना है, एंड इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस जिसे आपको कंट्रोल करना है, एक आईज है आपकी, एक माउथ है और एक ईयर है। सी व्हाट हैपेंस, आप लोग पहले ही नेगेटिविटी से फुल ऑन भरे हुए हो, ठीक है? जो भी रिलेशनशिप हील करना है, बाकी कोई विशेष है उसको लेकर के फुल ऑन, उसके लिए अगर हम ये बोल देना कि सैड होके दिखाओ उसके लिए, या उसके लिए कुछ बोल के दिखाओ, दुख वाले फटाफट बोलना शुरू कर देंगे हम, ठीक है? लेकिन अगर उसी चीज को लेके खुश होना पड़े तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो आप पहले से ही यहाँ पे थॉट्स का पूरा एक बंच है यहाँ पे क्रिएटेड, ठीक है? उसको लेकर के वो थॉट्स भी, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, दोनों थॉट्स हैं यहाँ पे।
ये चीज है। उसके अलावा क्या हो रहा है लोगों के साथ कि जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हो आप लोग, एक तो ये जो रिश्ते हैं इनको लेके जो मजाक बना करके शेर व शायरियां होती रहती हैं उनको पढ़ पढ़ के और ज्यादा वो इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। और पोएम्स बने हुए हैं इन पे, तो लोग पोएम्स देख देख के उससे अटैच होके उसमें जो भी एक लाइन कुछ बोल दी होगी नेगेटिव वो बिठा लेते हैं यहाँ पे। तो प्लीज आप जब इन रिश्तों को सही करने में लगे हुए हो तो आई वुड सजेस्ट कि मत, आप अगर आपके सामने ऐसी कोई थॉट आ भी रही है, कोई ऐसा मैसेज आ भी रहा है, उसको देखो तक मत, उसको बिना देखे डिलीट कर दो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, बट माइंड इज एब्जॉर्बिंग ऑल थॉट्स। जो भी थॉट्स है माइंड सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट वेन यू आर इन यू नो अप्लाइंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। आपको पता है कि आपकी थॉट्स अभी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, इसलिए कीप अ चेक ऑन योर थॉट। एंड अलग से ऑलरेडी आपका माइंड पूरा भरा हुआ है अपने ही यू नो चीज़ों को लेकर के, थॉट्स को लेकर के, तो बाहर से ये जो सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप स्टेटस एंड सॉन्ग्स, ये सब सुन करके और ज़्यादा उस थॉट को पक्का मत बनाइए, आपको ही प्रॉब्लम होगी। फिर आप लोगों को समझ नहीं आता कि हम टेक्निक्स तो लगा रहे थे पर हुआ नहीं। देर आर रीजन बिहाइंड दैट। कोई भी टेक्निक ऐसा नहीं है कि उसमें पावर नहीं है, बहुत पावरफुल है। लोगों ने सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने अपने विशेस को। ओके, आप लोग भी कर सकते हैं, जस्ट यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर थॉट्स। थॉट्स रियलिटी बनते हैं, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, अपने मेडिटेशन में कि यहाँ पे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और सबसे पहले सेल्फ लव पे उतरेंगे, सेल्फ लव भी कह सकते हैं। एंड इस मेडिटेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हम लोग जितने भी हैं सबके साथ एंजल्स हमेशा होते हैं। हर सोल के साथ एक एंजल है, ऑलवेज है। आपने कभी कभी देखा होगा, कभी हम अचानक से गिरने वाले होते हैं और गिरते गिरते संभल जाते हैं, कुछ गलत हमारे साथ होने वाला होता है, कुछ हर्ट होने वाले होते हैं और एकदम से बच जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ओ भगवान ने बचा लिया। एंड दैट इज़ ट्रू, सीरियसली भगवान ने बचा लिया, और भगवान ने बचाने के लिए उन एंजल्स को हमारे साथ भेजा हुआ है। तो वो एंजल्स ऑलवेज हमारे आसपास होते हैं, हमेशा होते हैं। आप उन्हीं को आपको हमेशा यू नो महसूस करना है और उनसे ही प्रे करना है कि वो ऑलवेज आपके पास रहें, प्रोटेक्ट करें आपको, एंड वो करते हैं। ओके, अब हम मेडिटेशन मोड में जा रहे हैं। मेडिटेशन मोड में जाने के लिए आप लोग प्लीज आराम से कहीं लेट जाइए या बैठ जाइए, या अगर बेड पे लेटे हुए हैं तो लेटे हुए में ही आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। इस मेडिटेशन को शुरू करने के लिए हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले लेट के आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब हम इस मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out. अब आप अपनी बॉडी को फील कीजिए, अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के एक फोल्ड बना के अपने दिल पे रखिए, अपने हार्ट पे रख के अपनी हार्ट बीट सुनने की कोशिश कीजिए। अपने आसपास एंजल को फील कीजिए, एंजल को महसूस कीजिए, जो एंजल आपकी बॉडी के लिए, आपके सोल के लिए है। अब आप खुद से अपने मन में बोलिए, आई एम एट पीस, मैं बहुत शांत हूँ, मेरी सोल बिल्कुल शांत है, मेरी आत्मा प्योर है, मैं सबका ध्यान रखती हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं
सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सबकी देखभाल करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। उन सारी चीज़ों के लिए मैं यूनिवर्स का, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उन सारी चीज़ों के लिए यूनिवर्स का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक सफ़ेद परिंदे की तरह आसमान में उड़ रहा हूँ। मैं एक सफ़ेद परिंदे की तरह आसमान में उड़ रही हूँ। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मेरी सोच एकदम पॉजिटिव है। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरा मन बहुत साफ है। मेरी आत्मा बहुत पवित्र है। मेरी आत्मा बहुत प्योर है। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। मेरे आसपास पॉजिटिविटी है। मेरे आसपास एंजल्स हैं। मेरी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। मेरी थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं। आई एम एट पीस। आई लव माई सेल्फ। आई एम फ्लाइंग इन द स्काई। यूनिवर्स हैज नो बाउंड्रीज। और उनकी इसी अनलिमिटलेस बाउंड्री में मैं फ्लो कर रही हूँ। आई कैन रिसीव द एनर्जीज। आई कैन रिसीव द पावर फ्रॉम यूनिवर्स। एक वाइट लाइट मुझे दिखाई दे रही है जो मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर आ रही है। किरणें तारों की तरह। एंजल्स मुझे ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी, फॉर बीइंग विद मी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम वेरी पॉजिटिव। आई एम एट पीस। आई एम हैप्पी। अब आप लोग अपने अपने हाथों को अपने हार्ट से हटाइए। एंजल्स के प्रेजेंस
सारा दिन आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप हैप्पी हैं, कोई डर नहीं, सिक्योर हैं आप लोग। अब इस मेडिटेशन मोड से बाहर आइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं मेडिटेशन मोड से, एंड अब आप लोगों को सारा दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखना है, बिकॉज अब आपके साथ एंजल्स हैं, ऑलवेज एंजल्स हैं। एंड सी, वेन एवर यू आर इन सम काइंड ऑफ पेन और यू फीलिंग सैड और यू फीलिंग लो, प्लीज़ ये मेडिटेशन स्टार्ट करके फटाफट से ये मेडिटेशन कीजिए। हार्डली 5-10 मिनट्स का ये मेडिटेशन, 5 मिनट्स का होगा मेरे को लगता है, मैंने टाइम देखा नहीं, 5 या 10 मिनट्स का मेडिटेशन है। आप लोग ये मेडिटेशन कीजिए, इससे जो एंजल्स, जो एंजेलिक एनर्जी आपके आसपास है वो एक्टिवेट हो जाएगी एंड वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। प्लस आप जिस इमोशंस में, जो सैड इमोशंस हैं, जिस इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप इस मेडिटेशन के तुरंत बाद देखोगे कि आप उस इमोशन को आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हो एंड एक अलग ही लेवल में आप जा रहे हो। प्लस आप एंजल्स को अपने आसपास जो हैं उनको, जब आप एक तरह से आप डिवाइन एंजल्स को एक्टिवेट कर रहे हो, आप उन्हें उनकी एनर्जीज को आप बुला रहे हो इसमें, तो वो आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे एंड आपकी वाइब्रेशंस भी इससे सारा दिन हाई रहेगी। प्लस आप एक पॉजिटिव मोड में रहेंगे। ओके, सो ये दिस वॉज द वीडियो फॉर इमोशन कंट्रोल एंड एवरी मॉर्निंग यू हैव टू डू इट। इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में ही ये पोस्ट कर दिया है, सो दैट आज से आप लोग ये हैबिट में डालें। जितना एवरीडे आप ये लोग करोगे, उतने आसानी से आप देखोगे कि आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाओगे हर चीज को लेके, सिर्फ विश को लेके ही नहीं, डेली लाइफ में भी आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। प्लस आपको हमेशा एक शील्ड मिलेगी प्रोटेक्शन वाली, जो जब ये एंजल्स को आप फील करना शुरू करोगे, एंड दे आर ऑलवेज देयर विद एवरी, ईच एंड एवरी बॉडी एंड सोल। ओके, सो जस्ट फील देयर प्रेजेंस। ओके, एंड दिस मेडिटेशन विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद देम। ठीक है, सो कीप डूइंग दिस एवरी डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मे एंजल्स ऑलवेज बी देयर विथ यू। थैंक यू सो मच।